हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेलवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आपको टिप ऑफ द डे भी दिया जाता है वीडियो के लास्ट में, जिससे आप आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन जो आपको पता नहीं है सिलेबस में है या फिर यू नो सिलेबस के बाहर से आ रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है टिप ऑफ द डे में। तो तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स डज नॉट यूजुअली ले एग्स इन इट्स ओन नेस्ट, ठीक है। कौन सा प्राणी है जो आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? तो इसका राइट आंसर है कोयल, ठीक है। कुकू जो है अपने घोंसले में अंडे नहीं देती, ये कौवे के जो है घोंसले में अंडे देती है। तो जो कौवा होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है अपने और कोयल के बच्चे में, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमने बायोलॉजी की स्टार्ट की है अभी सीरीज। तो ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नोन एज, क्या होता है? आर्टरीज होती है, ठीक है, आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होता है वो ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो माइक्रोस्कोपिक वेसल होता है उसे कैपिलरीज कहते हैं, याद रखना, कैपिलरीज कहते हैं। आपके हाथों पे वो जो आप ग्रीनिश कलर के जो देखते हैं वो एक्चुअली वेन्स होते हैं, शिरा बोलते हैं उसे, ठीक है, याद रखना। ओके, विच ऑफ दिस इज अ नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी जो है वो नीचे दिए गए ऑप्शन हड्डी नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, एक्स, हैमर, स्टीरअप या फिर एनविल। तो इसका राइट आंसर है एक्स, ठीक है। बाकी के जो सारे हैं ना वो ईयर बोन है, ईयर बोन है, याद रखना। ये मिडल ईयर का डायग्राम है, अच्छे से देख लेना ये मिडल ईयर का डायग्राम। इसमें देखिए हैमर की तरह है एक बोन, एक एनविल की तरह है, और एक ये जो है सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, इसे स्नेप पीस कहते हैं, ठीक है, स्नेप पीस या फिर स्टीरअप कहते हैं। ये अच्छे से देख लेना डायग्राम आप। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इज कॉल्ड, ठीक है। एक ग्रुप होता है जो जेनेटिकली डिफरेंट होता है और उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आइसोलेटेड होती है, उसे हम स्पीसीज कहते हैं, ठीक है, स्पीसीज कहते हैं। इसका एग्जांपल दूँ तो खच्चर, ठीक है, खच्चर, खच्चर याद रखना, जैसे कि डोंकी और हॉर्स, ठीक है, इन दोनों का मिला के होता है, जो डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली, दोनों डिफरेंट है और उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो थोड़ा सा अलग, दोनों के मिक्सअप करके होते हैं, इस तरह से याद रखिए स्पीसीज। नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मल्टी सीडेड फ्रूट, ठीक है। कौन सा फ्रूट है जो मल्टी सीडेड नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लीची, ठीक है, लीची, आप डायग्राम में देखना, ये स्ट्रॉबेरी की तरह ही होते हैं। ये सो स्ट्रॉबेरी फैमिली का ही एक फ्रूट है, ये चाइना से आया था ये फ्रूट फर्स्ट टाइम, और बिहार में जो है इसको एक्चुअली GI टैग भी मिला हुआ है, मुजफ्फराबाद की शाही लीची GI टैग मिला हुआ है, याद रखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन ये खाली पेट नहीं खाया जाता, ठीक है, ये भी याद रखिए। ओके, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है, गैसेस एंड लिक्विड्स का कॉमन नेम है फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं आता, उसमें गैसेस भी आता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से कौन सा जो फॉलोइंग ऑप्शन है वो बिलोंग नहीं करता? तो देखते हैं, ट्री, बुश, फंगस, श्रब। तो फंगस जो है वो एक्चुअली डिफरेंट किंगडम है, पांच किंगडम जो आर एच विटिगर ने दिए थे। कौन से किंगडम है आपको याद है क्या? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, प्लांट एंड प्लांट किंगडम एंड एनिमेलिया, ठीक है, ऐसे पांच आर एच विटिगर के फाइव किंगडम याद रखिए। नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एक्चुअली होता है क्या? खट्टा एसिड, इस तरह से याद रखिए, सिट्रिक मतलब खट्टा, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए, नींबू, अंगूर, आम, केला, तो सबसे ज़्यादा खट्टा तो नींबू होता है ना, तो सिट्रिक एसिड का हाईएस्ट अमाउंट जो है नींबू में पाया जाता है, नींबू और ऑरेंज में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, निमोनिया इज कॉज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी हाल फिलहाल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो याद रखिए, ये सूजन पैदा करता है निमोनिया लंग्स में, फेफड़े जो है ख़राब हो जाते हैं, इसे डायग्राम से आप अच्छे से यू नो जान पाओगे। देखिए लंग्स है ये,
ठीक है। लंग्स के अंदर जो होते हैं ये छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे अल्वोलीज कहते हैं। जो गैस आती है, ऑक्सीजन आती है, ये फिर ये जो अल्वोलीज है वो फूल फूल जाते हैं, एंड देन फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं फिर वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, निमोनिया के टाइम पे जो अल्वोलीज है इसमें जो है फ्लूड, जो एयर सैक्स है उसमें फ्लूड जमा हो जाता है, एक वन टाइप ऑफ फर्स्ट जमा हो जाता है, और उससे जो होता है जो इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। याद रखना ये न्यूमोनिया का लंग्स को अफेक्ट करता है ये। ओके, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सांस लेना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एनएरोबिक कहा तो, एनएरोबिक कहा तो रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिकुलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना सांस लेना। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आपके लिए टिप ऑफ द डे है विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स और उसके केमिकल नेम्स, इतने याद करना है आपको, विटामिन्स और उसके केमिकल नेम्स याद करने। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग।